सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का हाल बेहाल। स्ट्रेचर में बेड न होने के कारण मरीजों का हुआ बुरा हाल। शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। बाराबंकी के परसादीपुर मजरे मोहसंड गांव का निवासी 35 वर्षीय गुड्डू को उसके ही दो दोस्त विमलेश व राजेश ने शराब पीकर उतारा मौत के घाट। शव को गेहूं के खेत में फेंक कर दोनों हुए फरार। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शुरू की गई कार्रवाई। परिजनों में कोहराम मचा। तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उन्होंने अपने जुर्म भी इकबाल किया है और घटना में बरामद कर लिए गए हैं। अमेठी के मधुपुर स्थित सरकारी जूनियर हाई स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल व अध्यापकों ने मिलकर सभी बच्चों को कॉपियां व होमवर्क डायरी की वितरित। कहा इससे बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार होगा। हमारे विद्यालय में अधिकतर अभिभावक कॉपी और डायरी खरीदने में असमर्थ हैं, जिसके कारण हम विद्यालय के स्टाफ ने एक मन बनाया कि अपने पैसे से बच्चों को डायरी और कॉपी देंगे। सुल्तानपुर के धमौर बाजार में हुआ हादसा। गैस से लदी पिकअप ने साइकिल सवार 16 वर्षीय वसीम को रौंदा। मौके पर ही 16 वर्षीय वसीम की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस पहुंची। सुल्तानपुर के चांदा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सक्रिय। भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया फ्लैग मार्च। नगर नगर भ्रमण कर दिए गए उचित निर्देश। अमेठी में काफी दिनों से फरार चल रहे तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे थे दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार किया, भेजा गया जेल। मेनका गांधी के सुल्तानपुर जिले में दौरे का आज चौथा दिन। दोस्तपुर में की जनसभा। लोगों से किया जनसंपर्क। कहा पति के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। मेनका के सामने दर्जनों लोग हुए भाजपा में शामिल। सुल्तानपुर में भुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पाकिस्तान हमले पर मोदी को श्रेय दिया। लोगों को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोलते रहे कि पीछे हम शांतिपूर्वक देश है। हम आपसे विनती करते हैं कि हम लोग शांति से रहे। सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने अब उनको पता चला है कि हमारे ऊपर हमला करेंगे, दो गुना ज्यादा हमला ऊपर करेंगे। सुल्तानपुर का नाम खुशभवनपुर करने की शुरू हुई कवायद। राजपुताना शौर्य फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। पेश किया पुराने नाम को लेकर दावा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबंधित मामले पर संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा। सच्चाई वही जो हम बताएं।